बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसकी एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आने वाली मेरी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 1.5 का, तो उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड दी डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट भी होता है, इसे हम लोग मॉडुलस भी कहते हैं और इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तो फिर हम लोग जो है हमारे क्वेश्चन उनकी तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी ओ डी, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। तो अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट का जो प्रोसीजर होता है, जो आप कह रहे हैं कि आप समझ लें इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि ये जो हमारा फर्स्ट डायगनल होता है, फर्स्ट डायगनल हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई डी, और ये जो सेकंड डायगनल होता है फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी मल्टीप्लाई बी, और इन दोनों के दरमियान में जो साइन होता है वो माइनस का होता है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं कि जो फर्स्ट डायगनल होता है प्रिंसिपल डायगनल, इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में जो साइन होता है ये हमारे पास नेगेटिव होता है। तो जो है हमारा क्वेश्चन उसको देखते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है बी सी और डी, तो इन सब का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जो मैट्रिक्स सी है, बल्कि जो मैट्रिक्स बी है, मैं इसको लिखता हूं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं। तो अब मैट्रिक्स जो बी है वो मेरे पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख लेता हूं। तो जो मैट्रिक्स बी था मेरे पास दोस्तों वो क्या था, अब जो बी है मैं उसको लिखता हूं 1, 3, 2 और -2, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका मैंने अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट जिस तरह ऊपर हमने फार्मूला देखा कि इन दो को मैंने फाइंड करना है, तो अच्छा डिटर्मिनेंट जब भी हमने फाइंड करना है तो इसको दो वर्टिकल लाइंस में मैंने लिखना है। सबसे पहले मैं इसको दो वर्टिकल लाइंस में लिखता हूँ 1, 2, 2 और -2। अब ये जो फर्स्ट डायगनल है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 मल्टीप्लाई माइनस टू, जो फार्मूला है या जो प्रोसीजर है उसका माइनस, और सेकंड डायगनल को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 2। अब 3 मल्टीप्लाई 2, तो अब आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आपके पास 2 1 2, साथ फार्मूले का जो है -2 आ गया मेरे पास, दरमियान में माइनस, और 3 2 6। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 7 8 8 आ गया, और हमेशा जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या है, बड़ा जो डिजिट है वो मेरे पास 6 है, उसके साथ साइन माइनस का है, तो मेरे पास इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया वो -8 आ गया। इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास वो क्या आ गया, -8 आ गया। तो डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं कि ये जो डायगनल्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में साइन माइनस का, और सेकंड डायगनल जो होता है डायगनल हम इसको आपस में
मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो हैज़ का क्वेश्चन नंबर टू, उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर टू है, अगर वो उसकी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं, तो आप इसकी स्टेटमेंट को रीड कीजिए और फिर जो है इसको, चलो मैं थोड़ा सा जो है वो जो रूम है वो हटा देता हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर जो टू है उसकी स्टेटमेंट क्या है, कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि कौन से मेरे पास जो मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर हैं और या नॉन सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को पहले समझते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमारे पास क्या होता है। तो दोस्तों, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास मैट्रिक्स है, अब मैं लिखता हूँ जो है 3, 6, 2, 4, मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूँ ए का। तो मैंने अब इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कीजिए। तो डिटर्मिनेंट अब इसका क्या आ जाएगा, 4, 3 ज़ा 12, दरमियान फार्मूले का माइनस, और 6, 2 ज़ा 12। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, इक्वल टू 0। तो अब एक और मैट्रिक्स है, मैं उसको लिखता हूँ, बल्कि एक और मैट्रिक्स क्या लिखता हूँ, ये आपके सामने मैंने पहले ही से एक मैट्रिक्स सॉल्व है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कि जब मेरे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट का आंसर जब 0 आ जाए तो ये सिंगुलर होता है, और डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 ना हो तो ये कोई भी मेरे पास पॉजिटिव में या नेगेटिव में कोई वैल्यू आ जाए तो ये क्या होता है, मेरे पास नॉन सिंगुलर होता है, ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 है तो सिंगुलर है, अगर 0 नहीं है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो टू है इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए था ये मैंने अभी सॉल्व किया है, तो ये सिंगुलर था, और इसका जो पार्ट बी है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं है। तो उसको मैट्रिक्स को जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास मैट्रिक्स जो है ये बी है। तो अब ये जो बी है, मेरे पास बी क्या आ गया, मेरे पास 4, 1, 3, 2, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है के। अब 4, 1 और 3, 2 मेरे पास मैट्रिक्स है, तो उसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, 4, 1, 3, 2 दो वर्टिकल लाइन लगा दी। तो अब इन दो को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनको मैंने अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4, 2 ज़ा 8 आ गया, दरमियान फार्मूले का माइनस, 3, 1 ज़ा 3 आ गया। तो अब 8 माइनस 3 मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, 8 माइनस 3 मेरे पास 5 आ गया। अब ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है, तो अब जब वैल्यू आ जाए 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये मेरे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। तो अब ये मैट्रिक्स जो बी है मेरे पास क्या है, यहाँ मैं नीचे लिख दूँगा कि ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सिंपल हैं और इजी हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने और मुझे बताने हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
कि फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था एडिटिव इनवर्स, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखिए, और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो है जो मैथमेटिक्स नाइन्थ मैथमेटिक्स के नाम से एक मेरी है प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें भी जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ई। तो अब हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जो मैट्रिक्स है मेरे पास बी है, इसको मैं लिखता हूँ और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बी है इसको मैं लिखता हूँ और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो मैट्रिक्स बी है मेरे पास वो क्या है? वो मेरे पास है 1, 2, -3, -5। मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास? 1, 2, -3, -5 मेरे पास मैट्रिक्स है। तो अब इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो लास्ट में जब हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था तो एडिटिव इनवर्स जो था उसका जो आंसर था वो हमारे पास क्या था? नल मैट्रिक्स। क्या था? नल मैट्रिक्स उसका आंसर आता है। नल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है हमारे पास इसका जो आंसर आता है ये हमारे पास क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स आता है। यूनिट मैट्रिक्स यानी इसका जो भी है मेरे पास, यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके डायगोनल में हमारे पास हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब ये जो है अब मैट्रिक्स जो बी है उसको जो है फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी जो बी है मेरे पास को मैं दोबारा लिखता हूँ और सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। तो जो बी क्या है मेरे पास? 1, 2, -3, -5। अब मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है तो इनवर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? इनवर्स लिखने का फॉर्म होती है। और ये हमारे पास किसके बराबर होती है? ये हमारे पास होती है ए डी जे, यानी एडजॉइंट ऑफ बी। आवर बी का जो है डिटर्मिनेंट वो हमने फाइंड करना है, यानी एडजॉइंट ऑफ बी आवर बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम है कि हम किस तरह फाइंड करते हैं, और जो एडजॉइंट है ये हमें मालूम नहीं है। तो एडजॉइंट जो है ये मैं अभी आपको जब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करता हूँ तो मैं आपको एडजॉइंट भी बताता हूँ कि एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इनवर्स जब भी आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्यों? कि डिटर्मिनेंट से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हो यानी इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं होता। तो ये उसी वक्त ये सॉल्व होता है जब इसका आंसर हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। तो डिटर्मिनेंट आप इसका फाइंड कीजिए। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास का क्या आ जाएगा? 1, 2, -3, -5 का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो मेरे पास अब कहाँ से क्या है? 5, 1, 5, 7 माइनस फार्मूले का -5, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो 3, 2, 6 और -6। क्यों? माइनस भी है तो -3, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -5। और ये माइनस माइनस प्लस
और ये मेरे पास प्लस सिक्स आ गया। तो प्लस सिक्स माइनस फाइव जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो अब ये ज़ीरो नहीं है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव जो है वो हमारे पास फाइंड हो सकता है। तो अब जो न्यू चीज़ है सीखने वाली वो क्या है, एडजॉइंट। तो अब इसका जो एडजॉइंट होता है दोस्तों, अब ये जो एडजॉइंट है वो हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, तो अब ये मैट्रिक्स बी है, मैं इसका एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ बी, अब एडजॉइंट हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट डायगोनल होता है हमारे पास, ये फर्स्ट डायगोनल जिसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, हम इनकी इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग फर्स्ट जो डायगोनल है, यानी अब वन की जगह माइनस फाइव आ जाएगा और माइनस फाइव की जगह वन आ जाएगा, तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस फाइव और साथ क्या आ जाएगा, नीचे इस साइड पे मेरे पास फाइव माइनस फाइव जगह वन, ये हो गया। और जो सेकेंड डायगोनल होता है हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हमारे पास सेकेंड डायगोनल होता है हमारे पास, वो उसका जो सेकेंड डायगोनल जो होता है, हम इनकी जो है इनके साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट डायगोनल की जो वो प्लेस है जो जगह है वो चेंज करते हैं, सेकेंड डायगोनल के हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो अब ये इसके साथ माइनस थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, और ये मेरे पास प्लस टू है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस टू हो जाएगा। तो माइनस टू हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को क्लोज करता हूँ। तो एडजॉइंट समझ आ गया दोस्तों आपको, कि फर्स्ट जो डायगोनल है इसकी हम लोग जो है प्लेस जो है जगह है उसको चेंज करते हैं, और सेकंड डायगोनल के हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो अब मेरे पास ये दोस्तों एडजॉइंट और बी की वैल्यू भी आ गई है, और मेरे पास ये जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है वो भी मैंने फाइंड कर लिया। तो अब ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर इसके आगे यहाँ इनकी जगह मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इनका आंसर क्या आता है। तो यहीं पर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, तो एडजॉइंट और बी की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, माइनस फाइव, माइनस टू, और ये क्या आया था मेरे पास, प्लस थ्री और वन। तो अब इसकी जगह जो है, अब नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो नीचे मैं डिटर्मिनेंट पुट करता हूँ वन। तो अब वन इन सब के नीचे जब डिवाइड होगा तो बी इनवर्स का जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो वापस यही आ जाएगा, माइनस फाइव, माइनस टू, थ्री और वन। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया है। तो पार्ट ए भी सिंपल है, पार्ट सी भी सिंपल है, तो पार्ट डी, तो पार्ट डी का जो डिटर्मिनेंट है वो मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ, तो बाकी जो है आपने इसका इनवर्स खुद फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है उसका मैं जो है इनवर्स वो फाइंड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, पहले मैं उसकी जो है स्टेटमेंट उसको लिखता हूँ और फिर इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। तो मेरे पास जो डी है, अब मेरे पास जो डी है, अब उसको मैं पहले लिखता हूँ फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। तो जो मेरे पास जो डी है वो क्या है दोस्तों, वन बाई टू और थ्री बाई फोर, वन और टू, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है डी। तो मैं इस डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो अब इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसीजर क्या होता है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, वन बाई टू मल्टीप्लाई टू, दरमियान फार्मूले का माइनस, तो वन मल्टीप्लाई थ्री बाई फोर। अब ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, वन माइनस, अब ये कैंसिल नहीं हो रही, तो थ्री वन ज़्यादा थ्री और नीचे जो है फोर, ये मेरे पास। अब हमारे पास जब वैल्यूज फ्रैक्शन में हों दोस्तों, जब हमारे पास वैल्यूज फ्रैक्शन में हो तो हमारे पास इनका जो आंसर आता है हमारे पास, तो जब वैल्यूज फ्रैक्शन में हो तो दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम इनका एलसीएम
फ़ाइन करते हैं। तो आप इसका एलसीएम फ़ाइन कीजिए, तो एलसीएम इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अब वन जो है एलसीएम, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसका टेबल हम लोग रीड करते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, तो 1 × 4 यानी 1 × 4 = 4 आ गया। अब ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू जो होती है नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 1 = 4 आ गया माइनस, अब 4 × 1 = 4 तो सेंटर में क्या आया मेरे पास, 1 आया। तो इसको ये जो है नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 = 3 मेरे पास का आंसर क्या आ जाएगा, तो 4 − 3 = 1/4 तो इसका जो डिटर्मिनेंट का मेरे पास आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो बाकी जो है आगे इसका एडजॉइंट और फिर इन दोनों को जब डिवाइड करना है तो वो आपने इसको खुद करना है। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास, डिटरमाइन वेयर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अब ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं, तो ये हमने फाइन करना है। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें किस तरह पता लगता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं, तो इनका जो आंसर आना चाहिए वो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इनका अगर जो आंसर है वो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स आता है तो इट्स मीन कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो चलें इसको फाइंड करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है 2, मैं इसको लिखता हूँ और क्वेश्चन 1 आपने ख़ुद सॉल्व करना है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं। तो अब मैं जो है स्टेटमेंट पहले उसको लिखता हूँ और जो बाकी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है वो क्या है, तो मैं इसको लिखता हूँ। वो मेरे पास क्या है, 1, 2, 3 मेरे पास एक मैट्रिक्स है और ये, और मेरे पास एक और मैट्रिक्स है मैं उसको भी लिख लेता हूँ, −3 × 2 × −1। अब ये दो मेरे पास मैट्रिक्स हैं, तो अब हमने ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने इन दोनों को आपस में अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई का जो रूल है वो 7th रूल हमारे जहन में होना चाहिए। तो 7th रूल क्या होता है कि मेरे पास अगर फर्स्ट रो में 2 एंट्रीज हैं, तो जो सेकंड, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है इसमें अगर 2 एंट्रीज हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें भी 2 एंट्रीज होनी चाहिए, यानी ये जो 7 होता है ये मेरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 × 3 तो मैं इनको जो है सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 × 3 = 3 तो −3 आ गया। और अब इस 2 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि आपने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को फिर कॉलम का जो सेकंड है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 = 4 + 4 आ गया। अब इसी तरह अब सेकंड कॉलम भी है तो सेकंड कॉलम के साथ भी यही प्रोसीजर करना है, तो 1 × 2 = 2 आ गया। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 दरमियान में −2, −2 आया है इसके साथ माइनस था, तो ±−, आ गया। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसी तरह अब इस रो के साथ भी यही प्रोसीजर करना है, तो 2 × 3 = 6 यानी साथ माइनस है तो −6 और 3 × 2 = 6 दरमियान में अब साइन दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो अब ये 2 × 2 = 4 आ गया और 3 × 1 = 3 तो दरमियान में माइनस क्या है तो −3 मेरे पास आ जाएगा। तो अब ये 4, चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ बिग ब्रैकेट जो है स्केयर ब्रैकेट, तो 4 में से 3 माइनस हुए तो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, 2 − 2 तो क्या आंसर आ गया, 0 और 6 − 6 क्या आ गया आंसर, 0 और 4 में 3 माइनस हुए तो आंसर क्या आ गया, 1।
तो अब आप दोस्तों गौर कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, अब ये क्या है मेरे पास, यूनिट मैट्रिक्स आ गया है। तो इट्स मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्यों कि इनका जो आंसर आया मेरे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, जिसे हम लोग आई से शो करते हैं, जिसे हम लोग आई से शो करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो अब ये दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 मैंने सॉल्व किया है, तो बाकी आपने ख़ुद सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अब 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो 6 में किस चीज़ की डिमांड है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, एक डी है, तो आपने वेरीफाई करना है क्या ए बी का जो इनवर्स है, यानी ए बी का जो ए पहले ये ब्रैकेट है, ये इनवर्स बाद में है, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो आपने ए बी के प्रोडक्ट का जो इनवर्स है वो इक्वल है किसके, बी के इनवर्स मल्टीप्लाई ए के इनवर्स के। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर है इसका 6 का पार्ट 1, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपने पार्ट 2 को खुद सॉल्व करना है। दोनों का प्रोसीजर एक जैसा सेम होता है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है कि हमने ए बी का इनवर्स, ए बी के प्रोडक्ट का जो इनवर्स है ये हमारे पास बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के बराबर है, तो हमने अब इसको सॉल्व करना है और समझना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैंने ली है कि ए बी का, ए बी के प्रोडक्ट का जो इनवर्स है, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो अब दोस्तों ए बी, सबसे पहले मैंने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स पहले ए लिखा है तो पहले मैंने ए को लिखा है, जो बी लिखा है मैंने फिर बी को लिखा है, इनको मैंने अब आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई के लिए जो रूल है 7th रूल, वो आपके जहन में होना चाहिए कि जहाँ जितने एलिमेंट हैं तो इस साइड पे भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, 4 दा क्या आ गया 16, तो माइनस का 16, 0 1 दा 0, फिर ये जो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 दा 8 माइनस 8, और मेरे पास ये जो है 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह सेकंड रो को भी इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, और ये 2 1 ज़ा 2 आ गया, साथ माइनस 2 आ गया। तो अब ये इनका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया, माइनस 16 माइनस 8 4 2 6, और ये 2 2 से कैंसिल होकर मेरे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, 0 बचा। तो ए बी जो है मैंने इसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लिया है, तो अब मेरे पास जो ए बी का जो इनवर्स है, अब मैंने ए बी का क्या फाइंड करना है दोस्तों, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स जो बराबर होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अवर ए बी का मॉडुलस, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है कि इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले का हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया, और जब 8 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 48 आ गया, यानी 8 6 से मल्टीप्लाई हुआ 48 आ गया, तो इनके साथ ये माइनस है और ये फार्मूले का माइनस 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 प्लस होकर मेरे पास जो आंसर बचा वो 48 आ गया। तो इट्स मीन कि ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब ए बी का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए ये जो फर्स्ट डायगोनल होता है, इन दोनों की इंट्रीज़ को हम इंटरचेंज करते हैं, यानी अब 16 की जगह मेरे पास 0 आ जाएगा और 0 की जगह मेरे पास अब 16 आ जाएगा, और इन जो सेकंड डायगोनल होता है इनके हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो ये मेरे पास प्लस 8 है, ये माइनस 8 है, प्लस 8 हो गया, ये प्लस 6 था तो मेरे पास माइनस 6 हो गया।
तो अब ए बी का जो इन्वर्स है इसकी दोनों चीज़ें एडजॉइंट भी और डिटरमिनेंट मैंने फाइंड कर लिया है, तो अब इन दो को मैं इसके अंदर पुट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है। तो दोस्तों अब ए बी का जो डिटरमिनेंट है उसका मेरे पास आंसर ये था और मॉडुलस का आंसर मेरे पास ये है। तो अब इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 0/48, 8/48, -6/48 और -16/48 आ गया, यानी इस 48 को मैंने इन चारों के साथ डिवाइड कर दिया है। तो मेरे पास अब 0/48 का आंसर 0 आ गया, तो 8/6/48 होता है, तो यानी ये 8 और ये क्या कैंसिल हो गया, मेरे पास 8/1 और 8/6 हो गया, तो ये 6/1 और ये 6/8 वापस आ गया, तो यानी यहाँ मेरे पास 1/6 आ गया, यहाँ माइनस था तो -1 जो है मेरे पास अब क्या आ गया, अब मेरे पास 8 आ गया, यानी यहाँ मेरे पास -1/8 आ गया, और 16/3 मेरे पास 48 होता है, तो -1/3 आ गया। तो अब मेरे पास ए बी का जो इन्वर्स है उसका मेरे पास आंसर ये आया है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास कि बी का जो इन्वर्स है वो हमारे पास, यानी बी के इन्वर्स को और ए के इन्वर्स को आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वापस फिर से यही आंसर आए। तो सबसे पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अब हमारे पास दोस्तों ये जो ए का मेरे पास जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, 4, 0, -1, 2। तो अब इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि मेरे पास सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो अब ये इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 4, 2, 8 और -1, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, दरमियान फार्मूले का माइनस, मेरे पास 8 -0 = 8 आ गया। इट्स मीन कि ये मेरे पास अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मेरे पास अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मेरे पास अब ये। तो अब ये जो है फिर मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड किया, तो एडजॉइंट के लिए इन दो की जो जगह है उसको चेंज करते हैं, दो के साइन चेंज करते हैं, तो 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह मेरे पास अब 4 आ गया। तो इन दो के साइन चेंज करो तो 0 के साथ जो है साइन कोई नहीं होता, तो ये -1 था तो ये क्या हो गया, +1 हो गया मेरे पास। तो अब ए इनवर्स की जगह मैंने वैल्यूज जो है पुट कर दी, कौन सी कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो अब इनकी जब मैंने वैल्यूज पुट की और ए डिवाइड किया तो मेरे पास अब ये जो आंसर बचा, यानी 2/8, 0/8, 1/8, 4/8, ये 8 इन चारों के साथ डिवाइड हो गया, तो मेरे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, 1/4, 0, फिर 1/8 और 4/8 का आंसर क्या बचा मेरे पास, 1/2 आ गया। तो अब सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, अब बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो फार्मूला वही होता है इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ बी और बी का मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो अब बी का जो इन्वर्स है सबसे पहले, सॉरी जो बी का एडजॉइंट हमने फाइंड करना है, तो बी का, बी की वैल्यू क्या है, -4, -2, 1, -1। तो अब मैं इनको आगे ये जो है अब डिटर्मिनेंट के लिए जो फर्स्ट डायगोनल इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास, प्लस हो गया, और यानी 4, 1, 4 आ गया, फिर ये फार्मूले का माइनस, और 2, 1, 2 और के साथ माइनस है ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस हो गया, तो 4 + 2 = 6 आ गया, तो ये भी मेरे पास नॉन सिंगुलर है। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी अब हमने फाइन करना है। तो एडजॉइंट के लिए इस जो ये जो फर्स्ट डायगनल होता है इसकी हम लोग ये जो है जगह को चेंज करते हैं, जिनकी जो है जगह वो मैंने चेंज कर दी, -4 की जगह -1 और -1 की जगह -4 आ गया। तो इन दो के साइन चेंज करते हैं, तो ये -2 था +2 आ गया, ये +1 था तो -1 आ गया। तो अब ये दोनों डिटर्मिनेंट की भी मेरे पास वैल्यू मौजूद है, एडजॉइंट की भी मौजूद है, तो उसको इन्वर्स में मैंने जब पुट किया तो मेरे पास अब जो है, अब जो 6 है इन सारे के नीचे, इन चारों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इनके नीचे डिवाइड कर दिया मैंने 6 को, यानी -1/6, 2/6, -1/6 और -4/6 आ गया। तो जब इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर क्या बचा, -1/6, 2/1, 2, 2, 3/6 होता है तो 1/3, तो -1/6 और ये 4, -4/6 का आंसर क्या आ गया, -2/3 मेरे पास आ गया। तो अब मैंने जो है, अब मेरे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों की वैल्यूज आ गई,
तो अब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स पहले लिखा हुआ है, तो पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखूंगा, बाद में मैं ए इनवर्स की जो है वैल्यू मैं उसको लिखूंगा। तो अब दोस्तों मेरे पास ये देखिए कि अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वन ओवर सिक्स मल्टीप्लाई हो गया वन ओवर फोर के साथ दरमियान फार्मूले का, प्लस फिर वन बाई थ्री मल्टीप्लाई हो गया वन ओवर एट के साथ, तो इनको मैंने लिख दिया। फिर अब ये माइनस वन ओवर सिक्स ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो आ गया, और वन ओवर थ्री जब वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने इनको लिख दिया। अब माइनस वन ओवर सिक्स को मैंने वापस मल्टीप्लाई करना है, अब सेकंड जो है मेरे पास रो उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वन ओवर सिक्स मल्टीप्लाई वन ओवर फोर, फिर माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई वन ओवर एट, फिर माइनस वन ओवर सिक्स ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। और ये जो है मेरे पास अब माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई होगा वन बाई टू के साथ, तो मैंने इनको वन बाई टू के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये देखिए कि सिक्स फोर ज़ा मेरे पास क्या होता है ट्वेंटी फोर, दरमियान में सात माइनस, फिर वन वन ज़ा वन और एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, और इस तरह ये ज़ीरो ऐसे ही आ गया, तो वन वन ज़ा वन और थ्री टू ज़ा सिक्स आ गया, फिर ये माइनस ऐसे ही आ गया, तो सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर दरमियान में माइनस। अब ये माइनस जो है मेरे पास ये माइनस क्यों है कि आप देखिए कि मेरे पास इसके साथ जो है ये माइनस था, इसलिए यहाँ पर भी मेरे पास माइनस आया है। तो माइनस टू वन ज़ा टू और एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर आ गया, और इसी तरह अब ये ज़ीरो ऐसे ही, तो अब ये टू टू से मैंने कैंसिल कर दिया, तो वन वन ज़ा वन और थ्री वन ज़ा थ्री दरमियान में ये माइनस। अब ये माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर था, ये प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर था, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये वन ओवर सिक्स ऐसे ही, फिर माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर और माइनस टू बाई ट्वेंटी फोर। जब नीचे दोनों इंट्रीज सेम हो, जब नीचे दोनों इंट्रीज सेम हो तो इनको हम आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर ज़ीरो आ गया, तो इसका वन बाई सिक्स आ गया, तो इसका जो है मैंने इनको प्लस कर दिया, तो माइनस वन माइनस टू नीचे ट्वेंटी फोर एक बार मैंने लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, माइनस वन बाई थ्री आ गया, यानी ज़ीरो वन बाई सिक्स, इसका आंसर क्या आ गया माइनस वन माइनस टू बाई ट्वेंटी फोर, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया माइनस वन बाई थ्री मेरे पास का आंसर आ गया है। तो अब ज़ीरो वन ओवर सिक्स, अब माइनस वन और माइनस टू क्या हो गए माइनस थ्री बाई ट्वेंटी फोर हो गया मेरे पास, तो माइनस थ्री बाई ट्वेंटी फोर माइनस वन बाई थ्री आ गया। अब ये ज़ीरो ये वन बाई सिक्स ये माइनस और ट्वेंटी फोर आपस में कैंसिल हुए, तो क्या आ गया थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर होता है, तो नीचे एट आ गया, और ये वन बाई जो सॉरी अब माइनस वन बाई थ्री आ गया। तो अब आप इस आंसर को देखिए, और ये जो पीछे हमने फर्दर सोल्व किया था ये, अब आप इस आंसर को देखिए, तो दोनों आंसर मेरे पास एक्यूरेट हैं, इट्स मीन कि हमने प्रूव कर लिया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट वन था, तो इसको हमने सोल्व किया है, तो पार्ट टू आपने ख़ुद सोल्व करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि ये आपके पास सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।